हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिस्वे चैनल को और मेरा नाम है बिस्वे चक्रवर्ती। तो मैं आपको सर्वर के ऊपर कुछ काम करके दिखाऊंगा। तो मैं बहुत दिन से वीडियो बना नहीं पाया हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था और मेरा कुछ टेक्निशियन का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम था और मेरा सर्टिफिकेट का भी बहुत कुछ लोचा था, इसलिए मैं एग्ज़ाम के ऊपर बिजी था, मैं भी वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे आपने सर्वर कंप्यूटर जो है उसका आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि आपने जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है, यानी कि विंडोज 7, विंडोज 10 ऐसा कुछ जो कंप्यूटर होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर तो कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका, आपका अगर जब इंटरनेट से कनेक्टेड करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस आप नहीं भी चेंज कीजिएगा, फिर भी वो बाई डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस ले लेता है। लेकिन सर्वर के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आप इंटरनेट तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने सर्वर को क्लाइंट के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब एक क्लाइंट को एक सर्वर के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो आपका एक सेम ग्रुप में रखना जरूरी है, ठीक है। इसलिए आपका सर्वर में आईपी एड्रेस को चेंज करना मैंडेटरी है। तो एक कैसे कीजिएगा मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ ये है सर्वर 2008। अगर आप 12 में कीजिएगा तो एक ही फंक्शन एक ही है, एक ही मतलब एक प्रिंसिपल एक ही तरह काम करता है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको पहले यहाँ पे जो एक दिखा रहा है आपको यहाँ पे लोगो दो कंप्यूटर का, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, इसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए अभी इंटरनेट कनेक्टेड है यहाँ पे दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे एरर का मैसेज देता, जो ऐसे सिंबल देता है ना, एक तरह से कैसा वो सिंबल है पता नहीं, लेकिन एक देता है येलो कलर का, वो दिखा देता। तो अगर अब ये क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू स्टेटस का, इसमें आपको क्लिक करना होगा व्यू स्टेटस में, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना होगा, इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना होगा। उसके बाद आप जानते हैं कि हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को यूज़ करते हैं, मतलब TCP/IP प्रोटोकॉल जो है उसको हम 4 को यूज़ करते हैं, अभी तक 6 को यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 4 में क्लिक करना होगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, यानी कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ले लिया है। तो अभी इसको आप क्या करना होगा, अभी इसको यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देना होगा क्लास सी का आईपी एड्रेस, यानी कि 192 से जो शुरू होता है वो सब आईपी एड्रेस कुछ भी दे सकते हो, 192.168.10.1.11.1.12.1 कुछ भी संग दे सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन आपको 192 देना मैंडेटरी है, क्योंकि 192 जो है वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है, वो क्लास सी को डिफाइन करता है। तो चलिए 192.168.10.1 जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद टैप प्रेस करते ही इसका जो सबनेट मास्क से देखिए वो ले लिया, बाय मैं टाइप नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ले लिया क्योंकि ये क्लास सी का सबनेट मास्क है। उसके बाद आपको गेटवे जो है वो छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको ओके करके क्लोज कर दीजिए। उसके बाद इसको भी क्लोज कर दीजिए, उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। तो ऐसे आप अपनी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं सर्वर कंप्यूटर का। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।